हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। और आप लोग कैसे हो कमेंट करके बताना। और आज की तारीख होगी 2 और 2। आज बहुत महत्वपूर्ण डेट है क्योंकि अभी के टाइम हो गए हैं 10:51। आज इतलाना टोल पे एक महापंचायत है जिसमें 6 निर्णय लेने हैं और होशांगवान खाप ऑर्गेनाइज करवा रही है। तो अभी वहीं चलते हैं और आपको दिखाते हैं आज क्या क्या निर्णय लिए जाते हैं। तो जुड़े रहे और मैं हर जगह जा रहा अभी। तो बाय बाय। इतलाना टोल पे पहुँच चुके हैं और ये फोर्स भी आ रखी है। और ये देखो कितनी गाड़ियाँ, अभी तो टाइम भी नहीं हुआ है, टाइम से पहले ही बहुत सारी गाड़ी आ चुकी हैं। ज़्यादातर सच्चो पहुँचे हैं भैया। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. ये भाई जो आपको आज पता है, जो सुबह से ही जो आज 2 तारीख है, जो सांगवान खाप के नेतृत्व से आज जो ये सरोख खाप महापंचायत बुलाई गई थी, सुबह 9 बजे से ही लंबी लंबी कतारें यहाँ आनी शुरू हो गई थी और विभिन्न खापों का नेतृत्व करने के लिए विभिन्न खापों के प्रधान यहाँ पहुँच रहे हैं। तो सर नमस्कार, तो जी आप कहाँ से हो? सतगामा प्रधान बाड़न। हाँ, तो ये जो आपके सामने जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सतगामा प्रधान बाड़न जो रोहतक के नजदीक पड़ती है, मास्टर रघुवीर सिंह आपके सामने हैं। तो हम इनसे कुछ जानकारी लेंगे, जो ये आज ये महापंचायत बुलाई गई है जिसका खास मुद्दा क्या है? इसका उम्र का है जी 21 साल उम्र कर दी, कुछ मंथन करें कितनी करेंगे। अच्छा, जो आप जो ये लड़कियों वाला जो नंबर एक मुद्दा है, जो 18 साल से बढ़ाकर 21 साल यह मुद्दा किया गया, तो क्या आप इसके समर्थन में हो? नहीं जी, मंथन करें जो विचार सब गए उनके। अच्छा, यहाँ जो प्रस्ताव जो आज पास किया जाएगा उसमें कमेटी नियुक्त की जाएगी। अच्छा, उसमें मतलब आप ज्यादातर आज प्रस्ताव को पास करने के लिए आए हो या मंथन ही? मंथन करें जी, उसके बाद विचार होगा। तो ये जो आपके सामने है, ये सतगामा प्रधान बाड़न से मास्टर रघुवीर सिंह है आपके सामने। और तो और इसके अलावा क्या क्या मुद्दे हैं जी इस पंचायत? हमारा मुद्दा ये जी, हिंदू है कि मैरिज एक्ट में अगर संशोधन हो जाए, गांव में शादी ना और गोत बनाओ। जी जी, खास ये उम्र वाली गलती तो अपने आप हो जाए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा जी, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। आज की सरोख खाप ने प्रधान चुना है, तो मैं स्वामी सांगवान जी से प्रार्थना करूंगा कि वो आए और अपने स्थान ग्रहण करें। स्वामी सांगवान परम पूजनीय, मैं तरंजन दास जी हरियाणा प्रदेश से कोने कोने से आए हुए सभी खापों के प्रधानगण, तमाम किसान भाइयों, माता बहनों, नौजवान साथियों, पत्रकार छायाकार बंधु, सबसे पहले तो मैं आपको नए साल की मुबारकबाद देता हूँ और कामना करता हूँ कि ये साल शांति और समृद्धि लेकर हमारे बीच में आए। और दूसरी बात एक और कहना चाहता हूँ भाइयों को, तो 13 महीने की आपके जो संघर्ष की विजय श्री हुई, उस होजरे के लिए आपको सलूट करता हूँ, आपको नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। आज इस मकसद के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन समय बलवान होता है, समय कराए नर क्या करे, वो है अर्जुन, वो बार समय बलवान होता है। इसलिए इस पंचायत के अंदर भी इस प्रकार के षड्यंत्र के तहत इसको असफल करने के लिए बहुत से भाइयों ने मन धर करके एक लगे हुए थे। आप लोगों के ही और तपस्या का फल इतनी संख्या में पहुँच गए, समाज की जो बुराई को रोकने के लिए, बेहतरीन समाज बनाने के लिए आप यहाँ एकत्रित हुए भाई, मेरी अपील के ऊपर आप यहाँ पहुँचे। तो इसलिए मैं तमाम भाइयों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत भी करता हूँ दादरी बहन जिले की तरफ से। दूसरी मैं भाइयों को बताना चाहता हूँ, इस पंचायत के अंदर 5-4 झंडे हमने पास करने हैं। मैं भाइयों को पहले बता देना चाहता हूँ, इससे पहले तो ये था जो दौरान किसान आंदोलन 13 महीने के दौरान जो हमारे भाई जो शहीद हो गए किसान लड़ाई के अंदर, जिन्होंने कुर्बानी दी, उन तमाम भाइयों को, तमाम जिन्होंने भी अपना योगदान दिया, सभी भाइयों को सम्मानित करना। दूसरा, इसका जो 5 एजेंडे हम लेके इस पंचायत के अंदर आए थे, सबसे पहला एजेंडा जो पिछले
कई सालों से पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जाति पाति का जो जहर घोल दिया, उस जाति पाति के जहर को खत्म करना, क्योंकि हमारा समाज ये खापे 36 बिरादरी के सब भाइयों को साथ लेके सबको जीने का हक है। इसलिए हरियाणा प्रदेश के अंदर जाति पाति का परमानेंट काटा मारना। दूसरा, इस पंचायत का एजेंडा जो सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा है कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो नौजवान बच्चे नशे की तरफ घर करके जुआ सट्टा शराब अफीम गांजा चरस पता नहीं कौन कौन सा नशा करने लगे, तो हिंदुस्तान का भविष्य, उस भविष्य को बचाने के लिए प्रदेश को नशा मुक्त और अपराध मुक्त बनाना। तीसरा, इस पंचायत का एजेंडा भ्रूण हत्या। 21वीं सदी के अंदर दुनिया मंगल ग्रह में चली गई, आज भी हमारे समाज के अंदर लड़का और लड़की के अंदर भेद समझते हैं। बच्ची को भ्रूण हत्या पेट के अंदर ही खत्म कर दिया जाता है, जिसको बेचारी को बाहर आने का मौका भी नहीं मिलता। इस महाबाप को, इस जुल्म को रोकने के लिए यह एजेंडा इसके अंदर तीसरा एजेंडा शामिल गया। और चौथा एजेंडा, मेरे बुजुर्गों भाइयों, जिस प्रकार आप लोगों ने देखा एक सब इंस्पेक्टर BSF का सब इंस्पेक्टर क्रेटा गाड़ी मांग रहे, अपने लालच के अंदर अपना शोक समझते हैं, दहेज के रूपी दहेज रूपी दाना जो बहन बेटी हमारे पट लेके काबिल बनाते हैं और शादी करते हैं और फिर बेटी की डोली जाती है, फिर डेड बॉडी वापिस आती है, उस दहेज रूपी दाने को खत्म करना। और इस पांचवा, इस पंचायत के अंदर सबसे बड़ा एजेंडा मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरे समाज के अंदर आज ओलन को किलिंग हो रही है। लड़का और लड़की खापों ने तो पहले ही अंतर जातीय अंतर विवाह खोल रखे हैं, लेकिन लड़का और लड़की की सहमति शादी जो हो वो कम से कम माँ बाप की सहमति से ऐसा प्रस्ताव करके सरकार को भेजे जो ओनर किलिंग बच सकती है। आए दिन नौजवान बच्चे रेल के नीचे कटते हैं, गोली खाते हैं, गोली मारते हैं। इसलिए पांच चार एजेंडे लेके भाइयों के बीच में एक सामाजिक राजनीति को छोड़ के एक खाप का प्रधान होने के नाते हमारा सबका कर्तव्य बनता है एक बढ़िया समाज बने, एक शक्तिशाली, एक समर्थ बने। इसलिए तमाम भाइयों को यहाँ बुलाया, मेरे भाइयों से प्रार्थना है, सब भाई, मैं एक बात और भी क्लियर करना देना चाहता हूँ। माननीय सतपाल मलिक जी, तो हमारे बीच में राज्यपाल, हमने कम से कम 1.5 महीने से पहले टाइम ले रखा था, कल सुबह भी टाइम बात हुई, कल शाम ने भी बात हुई कि मलिक साहब आपको सम्मान करना चाहता है, आपने किसान आंदोलन के अंदर बात उठाई। लेकिन मुझे बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं अभी जाके उन्हें कहा था कि 12 बजे सांगवान साहब रेस्ट हाउस में पहुंच जाना, मैं 12 बजे सबसे पहले पंचायत में चलूंगा, उसके बाद मेरे नाना नाती हैं दादरी वहां जाऊंगा, फिर शामिल दाल पे जाऊंगा। लेकिन कोई बात नहीं, उनको टाइम नहीं, उन्होंने खुद मेरे से कहा कि राष्ट्रपति महोदय ने मना कर दिया कि मैं उस पंचायत में शामिल नहीं हो सकता, मेरी मजबूरी है। मेरे बुजुर्ग भाई, हमने कोशिश की थी कि हम अपने भाई का सम्मान करें, हमारे बीच में रूबरू हो, लेकिन अगर सरकार नहीं चाहती, माने राष्ट्रपति जी ने भी मना कर दिया, तो उसके लिए खेद है। मैं भाइयों को कहना चाहता हूं, लेकिन मैं एक जरूर अपील करना चाहता हूं, जिस मकसद के लिए हम आए, जिस मकसद के लिए हमें तकलीफ उठाई है, 1.5 महीने से जो मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ उसका एक ही एजेंडा है, अगर आप लोगों का आशीर्वाद और सहयोग रहेगा तो समाज की 500 बुराइयों को मिटने का काम करें भाइयों, में सवाल जरूर सदा जाता। जो भी भाई अगर लास्ट तक, जब तक पंचायत का कोई फैसला फाइनल न सुना जाए, मेरी हाथ जोड़ के भाइयों से प्रार्थना है, सभी भाई खाना खा के और 500 फैसले सुनने के बाद जाएंगे हमारे पास बहुत बहुत उस कोटि के बुद्धिजीवी, राजेंद्र जल पुरुष अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित और बहुत उच्च कोटि के हमारे योद्धा बीच में आपके आ रहे हैं, महाराज जी आ रहे हैं, अच्छी बात बताएंगे, 500 फैसले सॉलिड करेंगे इस बुराई को रोकने के लिए। इसलिए मेरी शक्ति साहब से गुजारिश है कि अग्नि कार्रवाई शुरू करें, पूरे भाइयों से प्रार्थना, आप लोगों ने जब तक 5 फैसले हम उसका रिजल्ट आपको नहीं दे, तो भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना, कोई भाई पंचायत से मजा ना, अगला काम भाई पर छोड़ देना, आप लोगों के सहयोग से इतिहास लिखने जा रहे हैं, आज मैं विश्वास करना चाहता हूँ। मेरे शक्ति साहब से प्रार्थना, आगे कार्रवाई शुरू करें, धन्यवाद। मेरे भाई किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राकेश टिकैत जी और हमारे भाई युद्धवीर सिंह जी और सभी नेतागण और मेरे सभी बुजुर्गों और नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं भाई राकेश टिकैत का और भाई युद्धवीर का अपने तहे दिल से स्वागत करता हूं कि जो की वजह से उनका हौसला दबा दिया जाता है और शादी के लिए उन्हें उत्साहित कर दिया जाता है। और रही बात 18 साल तो बहुत अच्छी उम्र है, क्योंकि बेटी समझ भी जा है, अगर उसकी बेटी का फैसला है
घर क्या का फैसला है तो इसमें कोई दो राय नहीं, बेटी की शादी कर देनी चाहिए। कुछ ऐसे गरीब परिवार भी हैं जो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा नहीं सकते, उसकी ज्यादा जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, तो माँ बाप ने सोचा करे भाई सुथरा घर बाद अपने देख की और बेटी की शादी करी जावे। तो मैं सांगवान साहब जी के हर एक फैसले से सहमत हूँ। और रही बात अब किसान आंदोलन की, जो हमारी जीत थी वो सबसे अहम थी, उसमें हमारी एकता थी, जो हमारी जात पात धर्म भेदभाव को अलग रख के इकट्ठा होकर जो हमने संघर्ष किया उसमें हमारी जीत हुई, उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। और एक अनुरोध भी करती हूँ कि आने वाले समय में भी ऐसे ही आप सब इकट्ठा रहे, क्योंकि जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है मेरे देश प्रदेश के ऊपर, तो सबसे अहम बात हमारी एकजुटता की, एकता की होती है। क्योंकि अगर इंसान एकजुटता, अब परिवार से ही देख लो, अगर हमारे परिवार में चार सदस्य हैं, चारों बिखरे बिखरे हैं हम, तो दूसरा भी नुका होगा जान है तेरे परिवार के लोग तो इकट्ठे को नहीं और तू आराम आती सफाई देने लग गया है। तो परिवार की नींव, हमारे समाज की नींव हमारी एकजुटता होती है, उससे ही हम आगे बढ़ सकते हैं। एकजुटता के बिना हमारा संघर्ष अधूरा है। और इसी की हमने देखा भी है किसान आंदोलन की जीत, क्योंकि हमारी एकता की जीत है। इसी में हम अलग अलग हो जाते तो 2016 जाट आरक्षण आज भी, जिसमें मेरे पति दलजीत सिंह सिसाए जेल में बंद है 6 साल हो गए लगातार, तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं किया, ना हमें जाट आरक्षण मिला और ना ही जो बच्चे जेल में है वो बाहर निकले, क्योंकि तब हमारी एकता नहीं थी। यशपाल मलिक पर के ठग उसके प्रधान बनाए गए और आज उनका रिजल्ट अनेक परिवार मेरे हरियाणा में भुगत रहे हैं। और जो जवान बच्चे बाहर पड़े आज उनके परिवार मेरे जैसी बहन बेटी आज दर दर ये सोचने के लिए मजबूर हो जाती है अगला कदम क्या उठाया जाए और कैसे कार्य किया जाए। तो मैं आप सभी से, मेरे खास प्रधानों से और जितनी भी मेरी माता बहन आई हैं, उनसे एक ही विनती करती हूँ कि किसान आंदोलन की जीत हमने हासिल की है और इसी तरह 2009 से जो जाट आरक्षण का संघर्ष करते आ रहे हैं उस पर भी एक बार हमें सोच समझ के विचार करना चाहिए, क्योंकि मनोहर लाल के आज तक सभी वादे झूठे रहे हैं और हमेशा भी झूठे रहेंगे। अभी हमें कदम उठाना पड़ेगा आगे और एकजुटता दिखानी पड़ेगी, तभी हमारी जीत हासिल होगी। इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। अब मैं प्रार्थना करूंगा एडवोकेट राजेंद्र सोलंकी जी से, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट झज्जर में है। हाँ तो जी, क्या बना रखा है आप खाने में? लड्डू है, पूरी है, सब्जी है, दो तीन दाल की। सभी देसी घी में बना रखा है? बिल्कुल देसी घी, प्योर देसी घी है जी। कितने लोगों का खाना बना रखा है यहाँ पे? बहुत ज्यादा लोग हैं, जितने आओ उतने का बना रखा है। मतलब मैं शाम तक खत्म नहीं होगा? नहीं होगा। ये देख सकते हैं आप, देसी घी का सब कुछ है और ये सब्जी, एक टाइप की सब्जी और सब कुछ।